विकास दुबे क्या थे? ब्राह्मण थे। प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी क्या थे? ठाकुर थे। इनकी हत्या नहीं हुई, सबसे पहले प्रदेश में अगर किसी की हत्या हुई तो योगी जी महाराज के स्वजाति लोग की हुई, जिसका नाम प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी, वो भी जेल के अंदर हत्या हुई। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच सरकार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष या समाज विशेष की सरकार किसी भी किसी की दुश्मनी नहीं। ऐसे अत्याचार और जैसे लोग यह घटना देवरिया की घटना घटा हुआ है, इस व्यक्ति पे ऐसा सोच आप सोच सकते हैं कि अगर अपने आप पे रखेंगे कि सुबह निकला और लड़का दो घंटे बाद चार घंटे बाद जब आता है तो उसको पता चलता है उसके परिवार के व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बचा है, उसके ऊपर क्या बीतेगा। मैं भी उस लड़के से मिल के आया हूँ, मैं समझ सकता हूँ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वो भी लगातार उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उनके परिवार एकदम ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि उनको जब ये पता चले कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य कोई भी सदस्य नहीं बचा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उसके लिए इनके भविष्य के लिए मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक रुपया सही, अगर देश के एक व्यक्ति एक रुपया दान करता है तो 140 करोड़ होता है। अगर मन से यदि कोई एक व्यक्ति एक रुपया दान करेगा तो 140 करोड़ रुपया होगा, तो उनसे इनका जीवन पोषण पालन घर परिवार चल सकता है। दो बच्चे हैं, इन दोनों की भविष्य तो कम से कम सरकार और हम लोगों की वजह से चले। मैं इस निवेदन तो अभी वो भी अब स्वतंत्र है जांच कराने के लिए अधिकार, उनका भी जांच कराने का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार। देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और मैं अभी उपस्थित हूँ देवरिया में, और देवरिया का आप नरसंहार आप लोग नहीं भूले होंगे। अभी ये हुए हैं जो कि देवरिया में रह रहे हैं, तो हम आज देवेश दुबे से बात करेंगे और देवेश दुबे से मिलने के लिए देवेश दुबे जो है उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जो युवा हैं, जो मतलब देवेश दुबे के संतावना देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो देवेश दुबे जिसे मिलने आए हैं और कहाँ से ये लोग आए हैं संतावना, और जो देवेश दुबे का परिवार है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सत्यम सिंह सनी है और मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्तमान में छात्र संघ का संयुक्त मंत्री हूँ। जी, तो आप यहाँ देवरिया में आए हुए हैं? जी, मैं देवरिया में आया हुआ हूँ। इस तरह की जो घटना हुई है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इस तरह की जो घटना की जो सभी लोग निंदा कर रहे हैं, और एक जो 14 साल का बच्चा जिस तरह से अपने परिवार को लेके जो सब चीज़ों को लेके कुछ बोलने में बेसुध है, मैं पूछता रह गया कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया मुझसे कोई सवाल ना पूछा जाए, और मुझे लगता है कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है इसकी, मतलब यह अमानवीय कृत्य जिसने भी किया हो, मैं सरकार से, मैं परम पूज्य योगी जी महाराज जी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि उनको फांसी के अलावा कोई भी दंड ना मिले, केवल और केवल फांसी की दंड उनको दंड मिलनी चाहिए। जी देखिए, जात पे ये नहीं आप कह सकते हैं, ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ा है, ठाकुरों पे अत्याचार बढ़ा है, कोई कहता है कि यादवों पे अत्याचार बढ़ा है, ये अत्याचार की बातें सरकार मैं नहीं कह सकता हूँ उस पर, लेकिन ये है कि जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है, और सरकार लगातार मैं तो जैसे उन्होंने अन्य मामलों में इनकाउंटर किया है, जैसे अन्य मामले में दोषियों को फांसी दिलवाया है, मैं चाहता हूँ कि इस मामले में भी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ला के 3 महीने के अंदर, ना ये हो कि इसमें समय खींचा जाए और लोग जो आज सहानुभूति की नज़र से इस बच्चे के प्रति, इस गरीब ब्राह्मण के प्रति जो लोग आज जुटे हुए हैं, ये लोग से मैं जितने लोग जुटे हुए मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि लगातार बने रहें और इनकी मदद एकदम सदैव करें। जो इनका अकाउंट नंबर है जो कि बारकोड में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं लोगों से नहीं, मैं स्वयं से कह रहा हूँ कि मैं जितनी इच्छा शक्ति होगी उससे मैं 20 गुना इनको मदद करूँगा, और जो तमाम साथी हैं जो इस गरीब ब्राह्मण परिवार की मदद कर सकते हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बच्चे की, इनकी भविष्य की, एक छोटा भाई इनका जीवन मृत्यु से जूझ रहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, वो भी लगातार, उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उनके परिवार एकदम ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि उनको जब ये पता चले कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य कोई भी सदस्य नहीं बचा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उसके लिए इनके भविष्य के लिए मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक रुपया सही, अगर देश के एक व्यक्ति एक रुपया दान करता है तो 140 करोड़ होता है। अगर मन से यदि कोई एक व्यक्ति एक रुपया दान करेगा तो 140 करोड़ रुपया होगा, तो उनसे इनका जीवन पोषण पालन घर परिवार चल सकता है। दो बच्चे हैं, इन दोनों की भविष्य तो कम से कम सरकार और हम लोगों की वजह से चले। मैं इस निवेदन, एक समाज के लोग कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो दुबे परिवार के लोग हैं,
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, देखिए सरकार पे भरोसा है, कानून व्यवस्था, देश का संविधान कानून से चलता है, देश की न्यायपालिका है, वो जांच कर रही है, पुलिस लगी हुई है, पुलिस अपनी काम कर रही है और जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग नामजद हुए हैं वो जेल नहीं गए, उनसे लगातार पुलिस प्रशासन के लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम सभी लोग, मैं प्रयागराज से चल के आया हूँ और हमारे साथ बीजेपी के एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ये भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के, वो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनको उनकी उनकी बहादुरी को दाद देना चाहिए, उनका दुर्गेश मिश्रा नाम है, उनको उनकी दोनों किडनी नहीं है, उस व्यक्ति की दोनों किडनी नहीं है, लेकिन मन व्यथित हो गया, वो रह नहीं पाए और हम लोग के साथ इस परिवार की मदद के लिए चले हैं। हम लोग के साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, अवनीश तिवारी जी हैं, लगातार कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये मंडल के अध्यक्ष हैं मोर्चा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, ये भी हमारे साथ हैं, जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के बलिया के, तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि है, लेकिन कर्म हमारा जो है इलाहाबाद रहा है और इलाहाबाद से मैं चुनाव जीता हूँ। इस नाते मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे जिला, मैं अपने जिले के लोगों का और जिले के लोगों से ये गुहार करता हूँ, बलिया के केवल खास बागी बलिया के लोगों से, कि इस परिवार का बढ़ चढ़ कर मदद करें, क्योंकि कर चुका है। शुरू में कार्रवाई चल रही थी, जैसे बल्डोजर आई फिर लौट के चली गई, इसमें इस पर क्या कहिएगा? देखिए सरकार जो है, देखिए कहते हैं कि सरकार जो है मानवाधिकार है, संविधान है, तमाम चीज़ें हैं, सरकार जो है जांच कर रही है और चली गई, चली नहीं गई है, ये तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल आएगी और सज़ा बिल्कुल मिलेगी। इस पे ये लोग बच के जो बचे हुए, जो उनको लग रहा है कि जो विपक्ष के लोग या फिर जो भी लोग उनकी सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग भी जो मदद करेगा उतना ही बड़ा गुनहगार होगा, जितना बड़ा जो वारदात किया है उससे ज़्यादा गुनहगार जो मदद करने वाला वो गुनहगार होगा। जो आरोपी है इसमें अब किसको गलती मानते हैं, जो नरसंहार हुआ है क्या लगता है आपको इसमें कौन दोषी है सबसे ज़्यादा? देखिए इसमें जो है दोषियों की बात करें तो ना मैं प्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ ना आप रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि गांव के जो लोग हैं उनसे पुलिस जांच कर रही है, उनसे नाम जुटाने की कोशिश करी, उनकी खुफिया लगी हुई है, कहीं ना कहीं जो दुबे परिवार है उसके नरसंहार को कहीं ना कहीं ये लोग मतलब गरीब थे तो इसीलिए उनको दबा दिया जा रहा है। अब ये तो देखिए ये तो सच्चाई है कि गरीब होना अपने आप में अभिशाप है, ये अगर कहीं ना कहीं ये मेरे ये, मैं भी गरीब घर से हूँ, ये मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में अगर कर्म अच्छा नहीं किया हूँ तो मैं आज गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर जीव नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर जीव है, वो व्यक्ति का जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार उसका है, उतना अधिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री का है या देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का है, तो एक हर व्यक्ति का एक बराबर जीव है और सबका अधिकार एक बराबर होना। की जो बेटी है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है देवेश दुबे पे कि ये इस समय कौन पूजा पाठ होता है, कौन पूजा पाठ वो कराने गया था, अब देखेंगे। देखिए ऐसा है कि पिंडदान चल रहा है, हम लोग की तरफ पितृपक्ष होता है, जिनके पिताजी नहीं, इनको भी सजा मिले, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो एलिगेशन लगा रही है, इसको इनको भी फांसी की सजा मिले। किसको फांसी लगाएंगे भाई आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसको फांसी लगाएंगे, जिसका पुलिस CDR निकाले, कॉल लोकेशन निकाले, उस उनकी फुटेज निकाले, जहाँ पे वो पूजा करा रहे हैं उनकी वीडियो है, सब कुछ इनकी है, एक भाई मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, अब किसको फांसी देंगे? गांव के लोगों को फांसी देने की अगर बात करते हैं तो ठीक है, सरकार उनकी जाँच करेगी, यदि इनके पक्ष से अगर कोई मारा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये बालक या फिर इनके जो छोटे भाई हैं इनके द्वारा कोई कृत्य किया हो गया होगा, यदि इनको लगता है, इनकी बेटी को लगता है कि नहीं इनके साथ भी गलत हुआ है, तो अभी वो भी अब स्वतंत्र है जांच कराने के लिए अधिकार, उनका भी जांच कराने का अधिकार, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाएं और जांच कराएं। प्रेम यादव की बेटी एलिगेशन लगा रही है कि जो मतलब अगर हम यादव हैं इसीलिए गुनाह, अगर हम लोग दूसरे कास्ट के लोग रहते तो हम लोग बच जाते। देखिए ऐसा कोई नहीं है, सरकार, मैं आपसे कह दिया। अच्छा ये बताइए विकास दुबे क्या थे? ब्राह्मण थे। प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी क्या थे? ठाकुर थे। इनकी हत्या नहीं हुई, सबसे पहले प्रदेश में अगर किसी की हत्या हुई तो योगी जी महाराज के स्वजाति लोग की हुई, जिसका नाम प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी, वो भी जेल के अंदर हत्या हुई। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच सरकार कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष या समाज विशेष की सरकार किसी की दुश्मनी नहीं है। हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक छत्री हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं पीछे, आप बताइए एक लोग कह दे कि नहीं हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ, गौड़ बिरादरी से हैं, ST समाज के निचले पैदान पे हैं, इनके साथ गलत नहीं हुआ, तो ये चीज़ एलिगेशन पक्ष विपक्ष एलिगेशन। प्रेम यादव की बेटी कह रही है कि जो मेरा घर है ये सरकारी मतलब अतिक्रमण नहीं किया गया है, ये मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी में ये घर बनवाए थे। देखिए ये वो उनके बोलने से नहीं हुआ, वो देश के न्यायपालिका में नहीं है, ना वो विधायक है ना सांसद है। मैं
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ महामंत्री हूँ, मुझे पता है कि मैं भी राजनीति से हूँ, तो मेरे कहने से दुबे जी का परिवार दोषी नहीं होगा और ना मेरे कहने से यादव जी का परिवार दोषी होगा। उसके लिए न्यायपालिका कानून व्यवस्था बना हुआ है, वो IPS IAS या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके कहने से गलत है या सही है, सेनानी है, ये सिद्ध करना सरकार का काम है, सरकार लगी हुई है और सरकार पे पूरा भरोसा है, उनकी व्यवस्था, उनकी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा। हमारे साथ अपराधियों, देखिए इस भाजपा सरकार में जब ही अन्याय और अत्याचार बढ़ा है तो लोगों पे बुलडोजर चला है, और जो बुलडोजर वापस हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वापस चला गया, ये जल्द बुलडोजर वापस रिवर्स गियर लगेगा और जल्द से जल्द इस पर जाँच चल रही है और उस बुलडोजर आएगा और जो प्रक्रिया सरकार की होगी, ऐसे अत्याचार और जैसे लोग यह घटना देवरिया का घटना घटा हुआ है इस व्यक्ति पे, ऐस सोच आप सोच सकते हैं कि अगर अपने आप पे रखेंगे कि सुबह निकला और लड़का दो घंटे बाद चार घंटे बाद जब आता है तो उसको पता चलता है उसके परिवार के व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बचा है, उसके ऊपर क्या बीतेगा। मैं भी उस लड़के से मिल के आया हूँ, मैं समझ सकता हूँ अपनी बात को, मैं भावुक हो गया उस लड़के का चेहरा देख करके कि इस व्यक्ति को, मैं अपने आप पे सोचता हूँ कि मैं अभी गया और आने के बाद पता चला कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, उस समय क्या बीतेगी अपने आप पे, इसका कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। श्रीमान OBC आर्मी और यादव समाज के जो भी नेता हैं उनका कहना है कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। देखिए बुलडोजर उनके हाथ में नहीं है, चलने देंगे नहीं चलने देंगे, अगर अत्याचार उस परिवार से हुआ है और अगर उस परिवार से हुआ तो बुलडोजर तो कोई नहीं रोक सकता। बाबा ऐसे हैं कि बुलडोजर एक बार जहां लगा देते हैं तो वहां चला के रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है कोई बुलडोजर रोक देगा। यह जो नरसंहार हुआ है इसका जवाब तो मिलेगा उनको। अच्छा, प्रेम यादव की भी हत्या हुई थी, कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित हैं, उनका परिवार भी पीड़ित है, तो प्रेम यादव की हत्या का दोषी कौन है? देखिए एक हत्या तो हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन उस हत्या के बदलत अगर आप उनको लगता है कि इस हत्या एक हत्या अगर इस परिवार ने किया है तो यह परिवार अगर हत्या किया होता तो घर पे नहीं बैठा होता, उसका परिवार कहीं पूजा पाठ करने नहीं गया होता, अगर हत्या के होते पूरे परिवार के साथ ही कहीं ना कहीं फरार चले गए होते, या कोई तीसरा व्यक्ति जरूर है जो इन परिवार को बिखरने का ऐसा नरसंहार हुआ है जिसके वजह से। अभी के जो प्रशासन में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी अनदेखी के वजह से ये सब काम हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ आया हूँ और मैं अपने पैकेट में या अपने जेब में पिस्टल लेके आया हूँ और यदि मैं आपको मार दूँ या आप मुझे मार दें तो इसका जवाब तो सरकार दे नहीं पाएगी, ये आप हमारे और आपके मन में ना, तो यहाँ पुलिस के प्रशासन के लोग बैठे हैं इनको भी नहीं पता है, और इसको रोकना जैसे जिस तरह का पहले सबसे पहली चीज़ तो मैं महाराज जी से ये मांग करता हूँ कि जिनकी हत्या हुई है पहले तो उनकी PM रिपोर्ट आने दें, उनके साथ बदतमीजी भी हुआ है। हाँ जी, ये तो एकदम सच्चाई है, जिस तरह से तस्वीर देखने को मिला है, ये PM रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है कि इनमें अभी कुछ और धाराएं बढ़ेंगी। हाँ, इसमें एकदम क्योंकि देखिए जो दरिंदा होगा जी, इस पे सरकार काम कर रही है और सरकार पे भरोसा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, वो चाहे 8 साल की मासूम बच्ची रही हो या 40 साल की वो महिला जो हमारे माँ के समान है या वो रही हो, इन दोनों लोगों के साथ या तीनों दो बच्चियों और इनकी माँ के साथ भी उत्पीड़न हुआ है। हाँ, इसके खिलाफ भी हम लोग इस पे तो मतलब फांसी के अलावा तो कहीं सुनवाई ही नहीं है, बस सरकार से अपील है कि इनको दोषियों के तत्काल प्रभाव से फांसी।